वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हमजा लिमिटेड हमजा लिमिटेड एक्वायर्ड अ बिल्डिंग ऑन फर्स्ट अप्रैल टू जीरो एक्स वन फोर रुपीज़ वन हंड्रेड थाउजेंड एट विच पॉइंट इट वॉज कंसिडर टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ फोर्टी ईयरस एट द ईयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्स इज फाइव ईयरस गुजर चुके हैं एच एल इट्स करंट वैल्यू ऑफ नाइंटी एट थाउजेंड रिक्वायरमेंट है कि हाउ विल द बिल्डिंग बी अकाउंटेड फॉर इन दर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्स तो ईयर एंड पर रिवेल्यूशन हुई है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा अब अगर इसकी कैलकुलेशन हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम वैल्यू ले लेते हैं कि हमने इसको लिया कितने का था जी वन हंड्रेड थाउजेंड का तो फर्स्ट अप्रैल टू जीरो एक्स वन पर हमारी वन हंड्रेड थाउजेंड की बिल्डिंग थी अब इसकी डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करते हैं तो फोर्टी ईयर्स के हिसाब से हमने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और फाइव ईयर्स गुजर चुके हैं तो फाइव ईयर्स की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाती है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद हमारे पास थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्स को बिफोर रिवेलेशन जो अमाउंट है वो है एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब हमें रिवेल्यू करना है नाइन्टी एट थाउजेंड तो जो डिफरेंस है वो रिवेल्यूशन का गेन होगा क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है तो टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का हमारे पास रिवेल्यूशन का गेन आ जाता है अब ये तो हमने सिर्फ गेन की अमाउंट कैलकुलेट कर ली हमें पूरी अकाउंटिंग को कैसे हैंडल करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारा एसेट कितने का शो होगा हमारा एसेट शो होगा नाइन्टी एट थाउजेंड का हमारा रिवेल्यूशन सरप्लस कितने का शो होगा तो वो शो होगा टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जब हम बनाएंगे तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी शो होगी अब ये हमारी फाइव ईयर्स की डेप्रिसिएशन है तो हमने वन ईयर की डेप्रिसिएशन शो करनी है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और डेप्रिसिएशन जो है वो रिवेलूड अमाउंट पर कैलकुलेट नहीं होगी पहले वाली अमाउंट पर होगी क्योंकि रिवेल्यूशन ईयर एंड पर हुई है ईयर स्टार्ट पर नहीं हुई तो ओरिजिनल वाली ही डेप्रिसिएशन इस साल में भी रही है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड की वो हम शो कर देंगे इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में हमने लिखा होगा गेन ऑन रिवेलेशन जो कि सेम यही टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है देन अगर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं तो इसमें टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम से हमारे पास रिवेल्यूशन सरप्लस में ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम आ जाएगी लेकिन रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट की फिगर जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है अगर प्रॉफिट की फिगर गिवन हो तो वो रिटेन अर्निंग के अंदर हम लिख देंगे ट्रांसफर यहां पर नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि जो रिवेल है वो ईयर एंड पर हुई है अब ईयर एंड पर रिवेलशन होने का मतलब है है कि जो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई वो पुरानी वैल्यू पर चार्ज हुई हुई है और रिवेलशन सरप्लस की वजह से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इस ईयर में चार्ज ही नहीं हुई और जब एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं हुई तो उसका ट्रांसफर रिकॉर्ड करने की भी कोई जरूरत नहीं है सो दैट्स वाई दिस ट्रांसफर इज जस्ट सिंपली जीरो ये आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया कि ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे हम शो करते हैं लेकिन यहां पर हम इसलिए शो नहीं कर रहे क्योंकि कोई ट्रांसफर इस साल में बनता ही नहीं तो दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड डे